कोडिया से जो उम्मीदवार हैं पप्पू सिंह वो अभी आ रहे हैं सर, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सर भी बात कीजिए। सर कैसा रहा पूर्णिया की रैली, कैसी रही? आप लोगों ने भी देखा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी रही और इतने कम समय में 48 घंटों में इससे बेहतर रैली तो करना मुश्किल है। पूर्णिया की जनता का प्यार इतना है, इतना अपार विश्वास है उनको कांग्रेस पार्टी पे, कुछ हद तक मुझ पे, राहुल गांधी जी पर, कि भीड़ उमड़ के आई है वो आप लोग सब देख रहे हैं। सर लोग जानना चाह रहे हैं कि 15 वर्षों तक आप बीजेपी में रहे, उसके बाद कांग्रेस में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग अगर जानना चाहते, अब एक तो ये मैं पहले कांग्रेस में था 15 वर्ष पहले, तो एक तो आया हूँ तो पुरानी यादें आ रही हैं, ताज़ी हो रही हैं, उसको समझने में समय लगेगा। लेकिन लोगों को ये पूछना चाहिए अपने आप से कि मैंने आखिर बीजेपी छोड़ा क्यों, जिस पार्टी को मैंने यहाँ पर एक छोटे पार्टी से इतनी बड़ी पार्टी बना दी, उस पार्टी में क्या हो गया कि मैंने वो पार्टी को छोड़ दिया? उस पार्टी में जो भी नीति पे वो चल रही थी उसने सब कुछ सत्ता पे काबिज रहने के लिए सब अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, सारी बातों को छोड़ दिया और सिर्फ लोगों को आपस में बैर करवा कर, लड़ाई करवा कर, सांप्रदायिक बातें करके, झूठे वादे करके, काम की तरफ कोई ध्यान नहीं। भाई अब तो एनडीए की सरकार में आप 1.5 साल से हो, इस पूर्णिया में पंचायत के पंचायत ODF घोषित कर दे गए हैं, कहाँ है शौचालय, किधर है? तो इसलिए और जो प्रतिनिधि है यहाँ का उसको तो शर्म आनी चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए कि उसने जनता से इस तरह वादा करके इस तरह से वादा खिलाफी किया है। एक सांसद का क्या काम होता है? सड़कों की ठेकेदारी करनी काम होती है उसकी क्या? सर वो तो कह रहे हैं कि 5 साल में जितना विकास हुआ है वो उसको जनता जवाब देगी, अभी थोड़े दिनों में जनता जवाब देगी। सर 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 पप्पू भैया जिंदाबाद। पूर्णिया से उम्मीदवार हैं पप्पू सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, और उनका कहना है कि पूर्णिया में जो राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ वो काफी सक्सेस रहा, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए, और खासतौर से 15 वर्ष उन्होंने बीजेपी में बिताया है, उसके बाद फिर से कांग्रेस में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो सैद्धांतिक पार्टी जिस थी वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, लोगों से लड़ाने में पूरी भूमिका निभा रही है, इसीलिए वहाँ सैद्धांतिक लोगों का कोई जगह नहीं रह गया है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और पुराना घर उनका कांग्रेस है और पुराना घर आकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।